हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, माइग्रेन का अटैक क्यों पड़ता है, माइग्रेन क्या होती है, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनसे निदान पाने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं, क्या माइग्रेन से आप भी सफ़र करते हैं और माइग्रेन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, आज की इस वीडियो में यही बातें हम करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको तफसील से बताएंगे। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी ऊर्जा को डबल कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेन किसे कहते हैं। दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसी स्थिति है जिसमें नाकाबिले बर्दाश्त सिर का दर्द होता है, यानी नाकाबिले बर्दाश्त सिर दर्द को हम लोग माइग्रेन कहते हैं। ये जनरली आमतौर पर सर के एक हिस्से से शुरू होता है और दूसरे हिस्से तक फैल जाता है, यानी पूरे सिर के दर्द को हम लोग माइग्रेन की स्थिति कहते हैं। माइग्रेन एक ऐसी स्थिति है कि जनरली ये बिना दवा के अनकंट्रोल स्थिति मानी जाती है और एक अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, माइग्रेन कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपका सिर का दर्द कई कारणों से हो सकता है। यदि कभी भी ऐसा हो तो इसको आप इग्नोर ना करें, बल्कि इसको ट्रिगर करने वाले वजहों को तलाश करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी वजह हो सकती है, उनमें से कुछ वजह हैं, ये वजहों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, उनके कारणों को आप पता लगा लें, तो आप यकीनन माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि मैं यदि कहूँ कि तेज़ सुगंध अगर आपको मिल जाए, तो कभी कभी सिर का दर्द तेज़ सुगंध काफ़ी है कि आपके सिर दर्द को क्रिएट कर सकता है। इसी के तरह से जैसे कोई लोग कई लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो एल्कोहल को लेने के बाद भी सिर में दर्द होना कॉमन है। ऐसे लोगों को प्रेज करना चाहिए कि एल्कोहल का सेवन ना करें, या फिर कोई ऐसा उपाय आप ढूंढ लें कि एल्कोहल से होने वाला जो सिर दर्द या माइग्रेन की जो स्थिति है वो आपको ट्रबल ना करे। दोस्तों, नेक्स्ट वजह अगर आपको बताएं तो ये स्ट्रेस है। क्या आप बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेस में रहते हैं, कई दिनों तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर ये आपके सिर दर्द के लिए, आपके माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है। स्ट्रेस भी एक वजह है। अगर आप माइग्रेन से फ्री होना चाहते हैं, माइग्रेन के पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करें। अगली वजह है डिहाइड्रेशन। यदि आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का फैक्टर माना गया है कि इसकी वजह से भी आपको सिर में दर्द हो सकता है और आप माइग्रेन से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है और वो है पौष्टिक आहार, यानी आप क्या खाना पीना जो भी खाते हैं वो पौष्टिक है, वो न्यूट्रिटिव है। यदि नहीं है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हेल्दी डाइट के लिए हर इंसान को समय निकालना चाहिए, और एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आपके ऑफिस में, आपके ड्रॉर में या आपके ऑफिस की जो कोट है उसमें कम से कम हेल्दी स्नैक्स ज़रूर पाए जाने चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल करके आपको खुद आप अपने आप को न्यूट्रिटिव अवस्था में रख सकते हैं। और जो अगली कैटेगरी है वो है शोरगुल, यानी बहुत तेज लाइट या शोरगुल की वजह से भी आपके माइग्रेन का पेन ट्रिगर हो सकता है। यदि आप बहुत शोरगुल वाले स्थान में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए जब भी आपका सिर में दर्द हो, जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आता हो, तो आप ऐसी जगह से थोड़ा शांत एरिया में चले जाएं और घर में ऐसी जगह तलाश करें कि आपको शांति मिले। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे वक्त में शांत जगह आपके सिर दर्द के लिए एक बाम की तरह काम कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले फैक्टर की तरफ और वो है नींद। पर्याप्त नींद आपकी सोच से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। बहुत कम लोगों को पता है कि अपर्याप्त नींद आपके सिर के दर्द में इजाफा करता है।
यानी माइग्रेन के अटैक को दावत देने का काम करता है। इसीलिए यदि आप कम सोते हैं या शरीर को जितना रिक्वायरमेंट है नींद की उतना आप नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जो परमानेंट माइग्रेन आपके साथ घर कर जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपर्याप्त नींद लेते हैं तो आपको अपने जागने और सोने के शेड्यूल पे काम करना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद जरूर। ये कुछ कारण थे जिसको आइडेंटिफाई करके आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो के अंत में हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेन आखिर किन लोगों में ज्यादा कॉमन है। दोस्तों रिसर्च की माने तो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, माइग्रेन का जो पेन है, वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इनके पीछे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में उतार चढ़ाव का एक बहुत बड़ा कारण है, और यही वजह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के उतार चढ़ाव से माइग्रेन का अटैक महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।